तो दोस्तों मैं आपको अब लाइव दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको करेक्शन करना है, चाहे आप मोबाइल में करेक्शन करें मतलब बदलना चाहें, चाहे आप लैपटॉप या कंप्यूटर किसी में भी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मोबाइल में कर रहे होंगे तो क्या करना है आपको, आपके उसमें देखना, जैसे ही आप क्रोम खोलेंगे या फिर मोजेला जिससे भी आप ब्राउजर से कर रहे हैं, वहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप मोड में वो कर लेना है। अगर आप लैपटॉप या फिर आपके पास कंप्यूटर है अगर उसके थ्रू कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है आपको गूगल, यहाँ पर आपको सरकारी रिजल्ट सर्च करना है। जैसे ही आप सरकारी रिजल्ट सर्च करेंगे, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे। स्क्रॉल करते हुए नीचे जाने के बाद देखिए दोस्तों, मैं एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें क्या क्या, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। यहाँ से जाना और व्यू मोड, अगर यहाँ पर आपके इसमें दिख रहा हो तो दिख रहा हो, नहीं तो यहाँ से जाइएगा और जीकप पॉलिटेक्निक यहाँ से जाकर के ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जीकप वाले यूपी पॉलिटेक्निक जीकप 2022, इस पर जब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर आप जाइएगा सबसे लास्ट में, और लास्ट में जाने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये जो ग्रुप ए और बी दिख रहा है साफ साफ, अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखिए अप्लाई ऑनलाइन ग्रुप ए बी, इस पर आपको क्लिक हेयर, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा ये जो लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन ग्रुप ए एंड बी ई1 ई2, इस पर इस तरफ देखिए राइट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको क्या होगा, अभी मैंने खोल रखा था इस वजह से ये सेशन ऐसे दिख रहा है। तो दोस्तों देख लीजिए, जैसे आप ओपन करेंगे वहाँ पर क्लिक हेयर पर, जैसे आप क्लिक करेंगे के तो इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए दोस्तों, ऐसा हो सकता है बहुत तरीके की फेक वेबसाइट पहले से बना के रखते हैं तो आपको उन पर नहीं करना फोकस, आपको इसी तरीके की ये ओरिजिनल वेबसाइट है जीकप की, यानी कि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम काउंसिल उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल सा अपना एप्लीकेशन नंबर फिल करना है, और यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड फिल करना है, और इसके बाद ये जो कैप्चा दिया होगा इसको फिल करना है। फिल करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही आप साइन इन पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आपको फॉर्म आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आपका नाम से शो हो रहा होगा, ठीक है ना, और इसके बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप अपना सारा कुछ, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल करके साइन इन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। ये आपका दोस्तों फॉर्म है, ये फॉर्म आपका खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब इसमें क्या क्या करेक्शन हो सकता है और कैसे क्या, तो वो पहले क्या क्या करेक्शन हो सकता है उसके पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, अगर आपके कोई फॉर्म में गलती नहीं है फिर भी जरूर जाके एक बार चेक कर लेना क्या क्या करेक्शन हो सकता है, होता है वो सारा सारा मैंने बता दिया है। ठीक है, तो बार बार उस चीज़ को आप ना पूछें। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जाना है यहाँ पर, देख लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, आप अपना नाम, अपने मम्मी या पापा का नाम, या फिर अपनी नेशनलिटी, जेंडर, या फिर आप आपकी राज्य की पात्रता, यानी कि अगर आपने जैसे यूपी के हैं आपने बिहार का भर दिया, बिहार के हैं यूपी का भर दिया, झारखंड के हैं यूपी का भर दिया, मतलब किसी दूसरे जो भी है आपका गलती आप सही, तो ये सारी की सारी मैं जो पांच चीज़ें बताने वाला हूँ इस वीडियो में कंप्लीट बताऊँगा, कैसे आप एडिट कर पाएंगे, कैसे करेक्शन कर पाएंगे। सो कंप्लीट वीडियो को पूरा और अच्छे तरीके से देखें। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने बता दिया किस तरीके से क्या करना है। अब जैसे ये आपका इंटरफेस खुल जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए इतने सारे सेक्शन हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहला वाला ये जो सेक्शन है व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर दोस्तों साफ साफ देख लीजिए व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नाम शो कर रहा होगा, यहाँ पर आपके पापा का नाम देख लीजिए, आपके पिताजी का नाम, यहाँ पर आपकी मम्मी का नाम यानी कि माँ का नाम, यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, यहाँ पर आपका जेंडर, यहाँ पर आपकी नेशनलिटी, राज्य की पात्रता। राज्य की पात्रता दोस्तों इस वजह से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब आपकी काउंसलिंग होगी उस टाइम राज्य की पात्रता बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि काउंसलिंग तीन काउंसलिंग तक केवल ये यूपी के बच्चे होते हैं, उनको पहले पात्रता पहले यानी कि दी जाती है कि वो पहले उनकी काउंसलिंग होती है, तो इस वजह से काफ़ी कुछ बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों ये चीज़ ज़रूर आप चेक कर लें अगर आपको करेक्शन करना है। हाँ, और एक कैटेगरी, कैटेगरी क्योंकि हो सकता है कि आप जैसे आप जनरल के हों, जनरल में जैसे EWS होता है, तो अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट आपने बनवा रखा है या फिर EWS कैटेगरी में आते हैं तो दोस्तों उसमें फिल करिएगा, हो सकता है आपने धोखे से जनरल में फिल कर दिया हो। ये भी इस तरीके के कमेंट्स मेरे पास बहुत सारे आए थे, इसी वजह से मैं पर्टिकुलर आपको एक एक चीजें बता करके समझा रहा हूं। ठीक है, तो
तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करें, प्लीज़ पूरा और अच्छी तरीके से देखें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। हो सकता है दोस्तों ऐसा होता है सब कैटेगरी, सब कैटेगरी का मतलब होता है दोस्तों जैसे आप स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर, इसके बच्चे हैं या फिर ऐसा कुछ है, तो वहाँ पर आपको सब कैटेगरी या फिर हैंडीकैप है सब कैटेगरी, तो हो सकता है आपने सब कैटेगरी आपसे भूल गए, तो सब कैटेगरी भी आप भर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका निवास यानी कि जैसे आप गांव के, आपने अर्बन का भर दिया, नहीं शहर का भर दिया, शहर के आपने अर्बन मतलब उसमें गांव का भर दिया है, तो वो सारा का सारा, तो सारा का सारा आप कनेक्शन कर सकते हैं। आप हो सकता है क्या आप अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी में आते हैं, तो माइनॉरिटी वगैरह, तो सारा का सारा ये चीज़ें आप देख लीजिए। तो किस तरीके से आपको कनेक्शन करना, तो सबसे पहले मैं आपको नेम का कनेक्शन करके बता देता हूँ। सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके, जैसे ही आप दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे, अगर आपके पास मोबाइल होगा तो उस पर डबल क्लिक यहीं पर करना है, और वो इस तरीके का कर्जर यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए इस तरीके है कि ये डंडी सी आने लगेगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहां से इसको हटाना है, जो भी आपको करना है, जैसे ये पिंटू श्रीवास्तव जी हैं, इन्होंने अपना दिया था, इनको इनका पिंटू श्रीवास्तव की जगह ओनली पिंटू करना है, सपोज यहां पर कर दिया। अगर से आपका मम्मी पापा का नाम भी एडिट करना है, देखिए यहां पर देखिए, ये देख लीजिए, तो वैसे इनके उसमें तो नहीं करना है, ठीक है, लेकिन अगर करना है तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, मैं एक एक चीजें बता रहा हूं, देख ये देखिए मम्मी का नाम भी एडिट हो रहा है, ठीक है। तो आप जिसका चाहें तो एडिट कर सकते हैं, वैसे इनके उसमें एडिट, इनके केवल इसके इनके नेम में एडिट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपका DOB भी चेंज करनी है तो वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए मंथ का भी चेंज हो रहा है, और यहाँ इसी तरीके का अगर आप सन का चेंज करना चाहें यानी ईयर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए अगर आपका जेंडर दूसरा है तो दूसरा जेंडर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नेशनलिटी इंडियन, इसके बाद और देख लीजिए, इसके बाद डोमिसाइल देख लीजिए, डोमिसाइल कहाँ के हैं आप, डोमिसाइल अदर देन उत्तर, अगर उत्तर, अगर आपका उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरा कोई राज्य है तो भी। मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जाम पास अपेयरिंग फ्रॉम UP, पेरेंट्स एम्प्लॉयर सेंट्रल, हाँ ये जो भी, जैसे अगर आपके मम्मी पापा सपोज सेंट्रल यानी कि केंद्र सरकार की जॉब में है तो भी आप, तो वो अगर आप फिल करना चाहें तो वो भी आप फिल कर सकते हैं। अगर आप किसी, जैसे अगर आपने जैसे यहाँ पर ये तो OBC हैं, अगर आपको EWS जनरल में, EWS केवल जनरल एक होता है जनरल में EWS, अगर उसमें आते हैं तो उसमें SC ST जो भी आते हैं, अगर जो भी आप फिल करना चाहें यहाँ से फिल कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ये सारे के सारे चेंजेस, आप जो भी चेंजेस करना चाहें वो सारे चेंजेस, आप फ्रीडम फाइटर हैं, मिलिट्री जो भी हैं, यहाँ पर देख लीजिए रूलर वगैरह जो भी आप देख, यहाँ पर एक साफ साफ मैं सारी एक एक पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ अच्छे से, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ। इसके बाद जैसे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए, ये जो देखिए दोस्तों ये सबमिट का सबमिट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सबमिट देख लीजिए, सबमिट ये सबमिट दिख रहा है, ठीक है। इस पर दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्या करना है, जैसे जो भी आपको चेंजमेंट करना है कर लीजिएगा। इसके बाद आपको सबमिट पर क्या करना है, क्लिक करना है। चलिए मैंने सबमिट पर क्लिक कर दिया। जैसे ही आप सबमिट, देखिए अब यहाँ पर मैंने बोला था ना आपको सेव करने का ऑप्शन, आपसे एक बार कन्फर्मेशन और लेगा, तो आपको क्या करना है, अगर आपको सेव करना है तो यानी कि अगर आपको कोई चेंजमेंट करना है तो यस कर दीजिएगा, अदरवाइज नो कर दीजिएगा। और मैंने ये भी बता दी कि केवल करेक्शन एक बार होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो दोबारा से चेक कर लेना, आपको नो पर क्लिक कर लेना, अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी प्रकार का डाउट है, ठीक है, तो बार बार आपको मतलब एक बार जरूर अच्छे से कोई भी डाउट ना रहे। दोस्तों ये देख लीजिए इनका नाम पिंटू ही है, ठीक है, श्रीवास्तव हटाना था, राजेंद्र पाल है, नंदा देवी है, ये सारा का सारा हो गया। चलिए अब हम इस पर क्या करते हैं, सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, चलिए दोस्तों हमने सबमिट पर और यस कर दिया, जैसे यस कर दिया अब क्या हो गया, ये चेंजमेंट हो गया, ये सेव हो गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, इनका पिंटू श्रीवास्तव से पिंटू हो गया, ठीक है, ये सारा का सारा। अब ये देखिए, अब दोस्तों और बाकी चीज़ों में इनको करेक्शन नहीं करना है, तो सीधे क्या करना है, ये गो टू फाइनल सबमिट पर जाना है, ठीक है। आपको इतना ही करेक्शन करना, अगर आपको केवल इनमें से केवल इतना करेक्शन करना है तो गो टू फाइनल सबमिट पर जाना है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है, स्क्रॉल करते हुए जैसे दोस्तों नीचे आएंगे, ये इस पर आपको क्या करना है, एक बार और क्लिक करना है और सेव चेंजेस फाइनली यहाँ पर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना है, ये देखिए, ठीक है। तो फाइनली इनका क्या हो गया, इनका चेंज हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, और इस तरीके से आप सारा का सारा जो भी चेंजमेंट है वो आप कर पाएंगे। तो मैंने आपका DOB नेम, फादर्स नेम, ये जो भी करेक्शन होता है वो मैंने इस वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अगर आपके ग्रुप चेंज करना है, या फिर आप अपनी ग्रुप एग्जाम डिटेल्स या एग्जाम सेंटर चेंज करना चाहते हैं तो वो कैसे चेंज करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो उसी में रहेगा, उसमें आप जो भी करेक्शन आप करना चाहेंगे वो सारा का सारा उसी में मैं आपको बता दूंगा। सो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स 95% स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और ना ही वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स में बता दिया करिए, थैंक यू। कुछ भी बोलना चाहें, अगर आप कोई सजेशन देना चाहें, कोई भी क्वायरी है आप कमेंट्स में बताइए जरूर, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन कर लें, ताकि कोई भी यहाँ, क्योंकि यहाँ देखिए इस तरीके से कोई चीज़ें
कहीं पर अभी आप किसी भी चैनल में देख लीजिए, कोई इस तरीके से नहीं बताता। यहाँ पर मैं क्योंकि पॉलिटेक्निक जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी बहुत ही अच्छी तरीके से बताता हूँ। सो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।